ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वो लिंक प्रतिदिन सवेरे शाम के लिए एक ही है, और यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। यदि आपका कोई विचार, कोई सुझाव जो सबके हित में हो, वो भी आप भेज सकते हैं, उसे हम मुरली मंथन में साथ में जोड़ देंगे ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज मुरली है 15 अगस्त पर। 15 अगस्त का मतलब है स्वतंत्रता दिवस, और सच्ची स्वतंत्रता किसे कहते हैं? पहले हम ये समझें कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, फिर हम सच्ची स्वतंत्रता पर बात करेंगे। हाँ जी, नहीं, आपकी आवाज भाई जी क्या करें, आपका समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि आपकी आवाज आ रही है। और कोई बताएगा अवस्था समझ में आया है? हम प्रकृति के किसी भी साधन के गुलाम ना हो। स्वतंत्रता को नीचे दिखाया है स्वशासन। भाई जी अपने कर्म इंद्रियों पर स्वयं शासन करना। अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन करना मतलब स्वशासन। सबसे पहली बात हमें समझनी है, स्वतंत्रता का साधारण शब्द में अर्थ आता है स्वशासन, अपने ऊपर शासन करना, स्वयं शासन करना। स्वशासन का लेना है स्वयं शासन करना। परतंत्रता का अर्थ होता है पराये द्वारा शासन चलाना, किसी दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाए, उसे हम कहते हैं परतंत्रता। दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर शासन चलाया जा रहा है। तो आज हमें समझना है इस बात को अच्छी तरह, क्योंकि 15 अगस्त भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है, और स्वतंत्रता का मतलब सबको समझ में आ जाए, इसलिए इसको हमने एक अलग प्रश्न के रूप में रिकॉर्ड करके डालने का सोचा। अब स्वतंत्रता हमें समझ में आ गया, स्वशासन। अब हमें स्व के बारे में समझना है, स्व किसे कहेंगे? आत्मा। हां जी, स्व हम कहेंगे आत्मा को, और पर किसे कहेंगे? स्व कहेंगे हम आत्मा को, तो पर किसे कहेंगे? हमारी कर्म इंद्रिया। हां जी, हमारी कर्म इंद्रिया, देवान को। जो मेरे से परे है वो पर है, मेरे से परे है वो क्या है? पर है। तो मैं स्वयं है
और मेरा पर है, मैं जो है वो स्व है, मैं स्वयं हूं, परंतु मेरे को मैं स्वयं नहीं कहूंगा। जैसे मेरा हाथ, ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं, हाथ को मैं स्वयं नहीं मान सकता, ये मेरा हाथ है। इस बात को बहुत बारीकी से समझना है। जिसको भी हम मेरा कहते हैं वो पर है, जिसको भी मेरा कहते हैं, मेरा परिवार, मेरे गांव के लोग, मेरे देश के लोग, मेरी दुनिया के लोग, जिनको मैं मेरा कह दूंगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसमें मेरा दुश्मन भी आ जाता है, मेरा मित्र भी आ जाता है, है जी, मेरा शरीर भी। मतलब जिसको हम मैं और मेरे को मतलब को समझना है, क्योंकि मैं हूं आत्मा और ये है मेरा शरीर। मैं आत्मा जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो हम चलता फिरता शरीर बनते हैं, परंतु गलती से हमने मेरे शरीर को मैं समझ लिया है। ये है आज हमारे इस जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण, और हमने अपना शासन शरीर समझकर शरीर ही चलाता है। तो वास्तव में हम जिसे समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं। हमारा शरीर जो कहता है हम वो करते हैं, मेरा मन जो कहता है हम वो करते हैं, तो हम परतंत्र हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया इस बात को कि मैं कौन और मेरा कौन। मेरे जितने भी हैं वो सारे के सारे पर में आते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं आत्मा स्वयं अपना शासन चला रही हूं तब मैं स्वतंत्र हूं। यदि मैं आत्मा शासन ना चलाकर मेरे कोई और इस शासन को चला रहे हैं तो मैं परतंत्र हूं। उसमें मेरा शरीर हो सकता है, मेरी आंखें हो सकती हैं, मेरे कान हो सकते हैं, मेरा मुख हो सकता है। मेरे कान कहते मैंने ये गाना सुनना है, अच्छा भी सुन ले तू गाना, कौन चला रहा है इसको, मेरा कान चला रहा है। मेरा मुख, मैं खाना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं ये पीना चाहता हूं, मेरे शरीर का एक एक अंग मुझे कहता है मैं ये करना चाहता हूं। अब वो कहता है मैं करना चाहता हूं और मैं उसको करने देता हूं, उसके कहना मानकर करता हूं, तो मैं परतंत्र हूं। मैं किसी और का कहना मानकर कर रहा हूं, मैं परतंत्र हूं। इस शरीर से कराने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा नहीं हूं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। यह आत्मा इस शरीर के अंदर, यहां ब्रिकुटी के अंदर बैठी होती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहां से पूरे शरीर को कंट्रोल आत्मा करती है। मैं आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती हूं और मेरे से कराने वाली मेरी आंखें, मेरे से कराने वाली मेरे कोई भी शरीर का अंग या मेरे परिवार का कोई सदस्य या कोई भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम परतंत्र हैं। ये बात हमें सबसे पहली समझनी है। स्वतंत्र अर्थात मैं स्वयं अपना शासन चलाऊं। मेरे द्वारा कोई और मेरे शरीर को कंट्रोल करे तो उस पर मेरा शासन नहीं, मैं स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करूं तब मैं स्वतंत्र हूं।
अब ये प्रश्न उठता है कि रोजाना बाबा हमें कहता है मेरा कहना मानो, बाबा भी मेरे से पर है ना, मेरा बाबा है ना, हम बाबा का कहना मान रहे हैं तो भी हम परतंत्र हैं या नहीं, क्या कहेंगे हम? मेरे बाप आत्मा के पुरुषार्थ के लिए कर रहे हैं, वो तो अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं, तो हमारे माँ मेरी माँ कह रही है करने के लिए, वो मुझे बुरे कर्म करने के लिए कह रही है, मेरा पापा कह रहा है मुझे करने के लिए, वो बुरे कर्म के लिए कह रहा है, शिव बाबा कहता है मेरा कहना मानो। शिव बाबा आत्मा है ना, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा से रिलेटेड बात ही करते हैं। फिर वो यदि यदि माँ भी आत्मा से रिलेटेड बात करे तो मान लेवे ना, नहीं माँ गलत भी तो हो सकती है ना कभी, माँ गलत हो सकती है तो बाप गलत नहीं हो सकता? नहीं बाजी ना, वो सुप्रीम है ना, सुबह आया। अच्छा, सुप्रीम कैसे गलत हो जाएगा? सुप्रीम परमात्मा है, उसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, उसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो कल्याणकारी है, वो सारे संसार का कल्याण करने वाला है, इसलिए यहां सच्ची शब्द लगाया है। केवल वही सत्य है, उस सत्य परमात्मा की डायरेक्शन पर मैं स्वयं शासन करता हूं, तब है सच्चा स्वशासन, सच्ची स्वतंत्रता। क्या मैं आत्मा सत्य नहीं हूं? मैं आत्मा भी सत्य हूँ। हाँ जी, आत्मा तो सत्य है, आत्मा, लेकिन अभी अभी इतने कार्मिक अकाउंट करके वो ये हो गई है, पतित हो गई है। आत्मा सत्य है, परंतु वे जब परम धाम से आई थी तब सत्य थी, धीरे धीरे वो अपने आप को भूल गई, अपने आप को भूल गई, अपने आप को देह समझ लिया, तो असत्य के आधार पर आत्मा शासन कर रही थी, इसलिए वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं। सच्ची स्वतंत्रता हमारे जीवन में लाने की विधि सिखाते हैं स्वयं सत्य परम पिता परम आत्मा, सत्यम शिवम सुंदर, उनकी डायरेक्शन पर यदि हम अपना शासन चलाते हैं तब हमें है सच्ची स्वतंत्रता। जैसे ही हमने परमात्मा के डायरेक्शन को छोड़कर किसी दूसरे के आधार पर, मेरा मन कह रहा था, मेरा तन कह रहा था, मेरा दोस्त कह रहा था, मेरी मां कह रही थी, मेरे बेटा कह रहा था, इसलिए मैंने किया, तो आप हमने दूसरों का कहना नहीं मानना, एक सत्य शिवम परमात्मा का ही कहना मानना, तब है हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता। ऐसा कौन सी बात है जो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं बताता, जिसके आधार पर हम अपने शासन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? ऐसा कौन सी बात है हम परमात्मा की जो दुनिया में कोई और ना बताता, जो सत्य हो? भाई जी, हमारी गुणों और शक्तियों के बारे में सबसे पहली बात परमात्मा ने आके समझाई, बच्चे तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा, ये देह विनाशी है, तुम आत्मा अमर हो,
तुम इन कर्म इंद्रियों के राजा हो। अब तुमने मेरी डायरेक्शन पर इन कर्म इंद्रियों को चलाना है। जब तुम परमधाम से इस धरती पर आए थे तो कर्म इंद्रियों को तुम मेरी डायरेक्शन पर चलाते थे, तो उसको कहा जाता था राम राज्य, उसे कहा जाता था राम राज्य। जब तुम मेरी डायरेक्शन पर अपनी कर्म इंद्रियों को चलाते थे, धीरे धीरे आपने मेरी डायरेक्शन को छोड़कर इस नश्वर दुनिया की झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को अपना बनाया और उनके डायरेक्शन पर इसको चलाना शुरू किया। आप परतंत्र होते गए, इतना परतंत्र होते गए, इतना परतंत्र होते गए, जिसे बाबा ने आज हमें समझाया है कि मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, सिवाय परम पिता परमात्मा के सच्ची स्वतंत्रता कोई दे नहीं सकता। जिसको हम बुलाते आए वो आया है हमें सच्ची स्वतंत्रता देने। जिसको हम बुलाते आए हे पतित पावन आओ। सच्ची स्वतंत्रता खो देने के कारण, परतंत्र होने के कारण हम दुखी हो गए। हमने पुकारना शुरू किया हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, नेकी की राह दिखाओ, बदी की राह से हटाओ। ये हमने परमात्मा को पुकारना शुरू किया तो परमात्मा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जम घटों की सजाओं से क्या करते हैं, मुक्त करने छुड़ाते हैं, मुक्त करने। ये जम घट क्या बला होती है, जमघट देखें, यम घट, ये जम की जगह यम कर देंगे तो इसको समझ सकेंगे, क्योंकि यम को भी जम बोल देते हैं। यम घट, घट माना भीड़, यम घटों की सजा से मुक्ति करने, यम के द्वारा दी जाने वाली प्रताड़नाओं से, दुखों से हम सबको मुक्त करने के लिए कौन आए हैं, बाबा आए। हमें यम घटों से कैसे मुक्त करते हैं बाबा, ऐसी कौन सी बात बताई जो हम यम घटों से मुक्त हो गए। बताया कि जो सारा ये कार्मिक के काम थे। अनिल भाई जी आप रुक जाओ, अनिल भाई जी आपके बाद गड़बड़ कर रही है। हाँ सुने, बोलो स्नेहा भाई बोलो। ये सारा जितना रायता फैलाया हमने ये सृष्टि पे आके, ये सारा खुद का हमारा किया कराया, तो बाबा ने आके बताया कि बच्चे ये सारा रायता आपने फैलाया है। यम घट क्या है, यम घट नहीं भाई, नहीं यम घट, यम दूत, यम के द्वारा, गरुड़ पुराण के अंदर यम दूतों के द्वारा अनेक प्रकार की सजाएं दी जाती। हमें जो गरुड़ पुराण पढ़ के सारी दुनिया को यम के सजाओं में डाल दिया, आरे से चिरवाए जाएंगे, तेल के कढ़ाए में, गरम गरम तेल के कढ़ाए में तले जाएंगे, आग में डाले जाएंगे, कोड़े से पिटाई की जाएगी, मांस नोच नोच करके यम दूत खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों ने अनरोटी भोजन जो है ना नहीं दिया है। यम दूतों के लिए भोजन आज नहीं निकाला, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हमारे पास भोजन आ जाता, पिंड दान नहीं किया है। हाँ जी बोलो। भक्ति मार्ग में बॉडी तो जला देते हैं तो फिर कढ़ाई में क्या डालेंगे वो। अब ये तो उनसे पूछना है ना, वो तो हम पूछते हैं उनसे ना,
वो तो बेचारे उनको बुद्धू बनाने के लिए कह देते हैं, आत्मा जब पैदा शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा जो है, जो भोजन मिलता है परिवार की तरफ से, उसका शरीर एक हाथ जितना हो जाता है, मतलब जितना बच्चा पैदा होता है ना उतना बड़ा उसका, जिसको वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर को वो आगे ले जाते हैं यमदूत। मतलब गपोर कहानियां हैं, इन गपोर कहानियों ने सारी दुनिया को गुमराह कर दिया। इन यम गटों की सजा से परमपिता परमात्मा आकर बहुत सिंपल सी बात समझाते, बच्चे तुम अमर आत्मा हो, कोई यमदूत तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता, होता ही नहीं यमदूत। एकदम लाइन खत्म कर दी कि यमदूत होता ही नहीं। यम माना, यम का अर्थ क्या होता है? समय काल नहीं, यम, यम का अर्थ रुकना, रुकना समय काल। नहीं, प्राणायाम करते हो ना, यम माना रुकना, सांस को रोकना, ठीक है नहीं? तो यम माना रुकना होता है। आत्मा जब शरीर में थी तो शरीर चल रहा था, जैसे ही आत्मा शरीर से निकल गई शरीर की गति रुक गई। और इसको संस्कृत में लिख दिया यम आगते, शरीर में क्या हो गया है, यम आ गया है, शरीर चलता हुआ रुक गया है। जब यह समझ में आ गया कि शरीर चलता हुआ रुक गया है, अब आगे उनको समझ में नहीं आया कि यम आगते क्यों कहा। अब यम आगते का अर्थ उन्होंने कहा यम आ गया, अब उन्होंने इसका मीनिंग निकाल दिया यम दूत आ गया। शरीर में यम आ गया नहीं, शरीर रुक गया ये मतलब ना लेकर के उन्होंने एक नया अर्थ निकाल लिया कि यम दूत आया। और क्या किया यम दूत ने आकर के, आत्मा को लेकर ले चला गया। कैसे ले गया, फंदे में फंसा कर ले गया, उसके पास एक फंदा होता है उसमें फंसा कर ले जाते हैं, बंदी बनाकर ले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने समझ लिया। तो इसी प्रकार काल आगते, समय आ गया है, तो समय आ गया है तो हमने समझा कि अब आत्मा गई, समय आ गया, काल आया और आत्मा को पकड़कर ले गया। हमने काल को, यमदूत को समझा कि वह आत्मा को पकड़ जाता है और फिर जब लेके जाता है तो हमारे जो पाप कर्म किए होते हैं उनकी सजा हमें यमदूत रास्ते में देते हैं, जिसके लिए गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो हमें समझा दिया कि तुम आत्मा स्वयं गतिमान हो, तुम्हें कोई यमदूत पकड़कर नहीं ले जाता, आप स्वयं एक शरीर छोड़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दूसरे शरीर में, गर्भ में प्रवेश करते हैं, कोई यमदूत किसी आत्मा को लेने के लिए नहीं आता है। दुनिया वालों तो दो दो यमदूत लगा दिए एक की ड्यूटी पर, अब एक एक आत्मा को लेने के लिए दो यमदूत आते हैं, लगभग एवरेज उनको 15 दिन लग जाती है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। तो कितने यमदूत रोजाना आते हैं, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, उन सबको लेकर जाते हैं, 15 दिन बाद वो छुट्टी से उतरे, ड्यूटी से उतरेंगे, कितने यमदूत चाहिए। ये परमपिता परमात्मा ने आके हमारी बुद्धि में सत्य समझाया कि कोई यमदूत नहीं होते, कोई यमदूत हमें कोई दुख या सजा नहीं देते, ये सजा व दुख मिलते हैं हमारे अपने कर्म अनुसार, जिनको हमने दुख दिया है वो अपना दुख का हिसाब बराबर करते हैं। तीसरी बात बाबा ने आज बताई। हां जी, घटों का मीनिंग क्या हुआ? घटों माने ढेर सारे यमों द्वारा, यमदूत समझो, यमदूतों के द्वारा क्या मिलती है, हमें सजा मिलती है, क्योंकि यहां से दो यमदूत लेकर गए, आगे हमारे कर्म अनुसार कौन कौन सी सजा मिलनी है, कढ़ाई में तलना है तो दूसरे यमदूत है, उनकी ड्यूटी है वो कढ़ाई में हमें तल देंगे, और उन्होंने आग में डालना है, उन्होंने आरे से काटना है, उन्होंने किसी और तरीके से काटना है, उन्होंने क्या क्या करना है, हर एक ने कैसे कैसे प्रताड़ना देनी है, मांस नोच नोच करके खाना है, उनको भूख लगेगी वो क्या करेंगे, इसका मांस नोच नोच करके खाएंगे,
और रास्ते में वो क्या बोलते हैं, एक विषय वैतरणी नदी होती है जिसके अंदर कीड़े होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, टिंडन होते हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं, वो काटते हैं और वो उसे तैर करके पार करनी होती है। जब तक वो तैरता रहता है वो उसको काटते रहते और वो गालियां निकालता रहता है, किसको? परिवार वालों को, कि तुम मेरे लिए गाय दान नहीं कर सकते ताकि मैं आराम से पार हो जाऊं। उन्हें फिर श्राप भी दे देता है गुस्से में आकर के। फिर पंडित कहते पितृ दोष लग गया है तुम्हें, तुमने पिंड दान प्रॉपर नहीं किए हैं, ठीक है, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है, इसलिए तुम्हारे घर में दुख आ रहे हैं। विषय लंबा है। रावण की परतंत्रता, रावण, अब हमें समझ में आया रावण क्या है। जब हम परम धाम से आए थे तो हम सर्व गुणों से संपन्न थे, हम सत्य के मार्ग पर चलते थे, हमारे पास असत्यता थी ही नहीं, परंतु धीरे धीरे हमारे अंदर सत्य में, पवित्रता में, शांति में, आनंद में, सुख में, सब में धीरे धीरे इस संसार को, इस नश्वर शरीर को उपयोग करते करते कमी आने लगी। जो कमी आई उसे माया कहा गया। अब हमारे जो गुणों में अभाव आया, गुणों में जो कमी आई, माया आई, उस स्थान पर आ गए अवगुण, और अवगुणों को कहा जाता है रावण। और रावण का अर्थ क्या होता है? रुलाने वाला। क्योंकि अवगुण हमें गलत काम कराते हैं, अब हम गलतियां करेंगे तो हमें उसका दुख तो लेना ही पड़ेगा ना। बाकी रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से आए। वो हमारे गुणों का अभाव का स्थान लेने वाले अवगुण है। जैसे प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहा जाता है, ऐसे शांति के अभाव को अशांति कहा जाता है, पवित्रता के अभाव को अपवित्रता कहा जाता है, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहा जाता है, प्रेम के अभाव को नफरत कहो, क्रोध कहो, कहा जाता है। तो जो गुण है वो गुणों में जो अभाव आया, माया आई, उसका स्थान जिस अवगुण ने लिया, उन अवगुणों को रावण कहा जाता है। रावण कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि अब परमात्मा ने कहा बच्चे ये जो रावण है, ये जो अवगुण है, इन अवगुणों को निकालने की सहज विधि है कि मेरी श्रीमत पर अपने जीवन में इन सत्य गुणों को धारण करो जो आत्मा के गुण है, उन शक्तियों को धारण करो जो आत्मा की शक्ति है। एक मैं ही हूं तुम आत्माओं का सच्चा हितेशी, कल्याणकारी, मेरा कहना मानो और मेरी श्रीमत पर चलो तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिल जाएगी। जिसमें एक चीज पूछनी थी, कहने में बाबा ने जैसे कहते हैं कि एक शरीर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पर कहते हैं जो राख भी जो कोई शरीर छोड़ता है, राख कतले में रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि निशान बन गया, जिस निशान पे जैसे किसी चिन्ह, किसी का भी जीव का चिन्ह आया तो वो कहते हैं वो उस योनि में गया। तो उनको इससे हम फिर कैसे समझाएं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल देखते हैं कि राख निशान बना हुआ था। ठीक है, देखो मेरे भाई, मैंने इसका सिंपल सी बात समझनी है कि वो केवल और केवल क्या होता है, टोटका कहो, अनुमानित एक बहलाने वाली बात कहो। अब जब आपने उस राख को छान करके एक परात के अंदर फैला करके रख दिया और रखने के बाद उसे ढक भी दिया, ठीक है, अब उसके बाद सवेरे उठे तो हमारे को उसके अंदर देखना शुरू करते हैं अपनी तरफ से कि क्या होगा, ये लाइन कैसे बन गई, ये लाइन कैसे बन गई। अब उसका अनुमान लगाते लगाते आप यदि दुनिया की किसी भी चीज को जो पड़ी हुई हो उसको भी आप यदि देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आकृति थोड़ी देर में आप सोचते सोचते देखने लगेंगे, अच्छा ये है।
आप आटे को ही ले लो, आपके घर में आटा है, आटे को परात में फैला करके बैठ जाओ और थोड़ी देर बाद देखो इसमें क्या आकृति बन रही है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, सांप बना, बिच्छू बना, गाय बना, चिपकली बना, मनुष्य बना, क्या बना क्या। उनके दिमाग में है 84 लाख योनियों में जाना है, उनको सबसे पहले बताओ कि 84 लाख योनियों में जाते ही नहीं तो यहाँ किसको देख रहे हो तुम, क्योंकि उनके दिमाग में 84 लाख योनियों में जाएंगे, उन 84 लाख योनियों में से कोई ना कोई निशानी ढूंढ मिल जाएगी उसमें, और फिर वो उसको बारे में कह देंगे ये इस योनि में गया बस, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनके अपने क्या है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए विधियां समझो, तरीके समझो, उनको खिलाना बहलाना समझो, ठीक है नहीं, ताकि उनको लूटा जा सके कि किस तरीके से भाई ये तो पशु योनि में चला गया, उसके लिए ये दान करो और ये पुण्य करो। ये सिर्फ ब्राह्मणों के कमाई के धंधे हैं और इससे कोई मतलब नहीं। हमें बाबा आकर इन सब प्रकार की कैद से, सब प्रकार के बंधनों से बाबा ने आकर हमें क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों की समझानी में मुख्य अंतर क्या है? बाप समझाते हैं और तुम बच्चे भी समझाते हो, वही ज्ञान बाप समझाते हैं वही ज्ञान तुम बच्चे समझाते हो, फिर बताओ क्या अंतर है भाई? तो हमारी धारणा नहीं होती, जब हम खुद ही नहीं धारण कर पाएंगे तो फिर क्या समझाएंगे, और जब धारण नहीं कर पाएंगे तो जो समझाएंगे तो सामने वाले समझेंगे नहीं, और फिर जब उस आत्मा का जब हम धारण कर लेंगे तो फिर जब उस आत्मा का पार्ट होगा समझने का तभी वो समझेंगे, दोनों ही स्थितियां हो सकती है। बाबा आकर समझाते बच्चे, मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का बाप। बाप जब समझाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का क्या हूं, बाप। मैं तुम्हें बच्चे कह सकता हूं, परंतु तुम आत्माएं आपस में क्या हो, भाई भाई, भाई भाई, ठीक है न। बाप बड़ा है, बाप कहता है बच्चे, और आप बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, आप बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, जिससे बाप की बात का तीर लगता है, तुम बच्चे आपस में भाइयों को बैठ को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते, तुम भाइयों को मीठे बच्चे नहीं कह सकते। ये बात समझ में आई है? क्योंकि सबसे बड़ा अंतर है कि भाई की बात भाई जल्दी से नहीं मानता, हाँ बाप की बात सारे मान लेंगे। परमात्मा एक है, इसलिए परमात्मा कहते आप ये कहो, बाबा कहते बार बार, बस किसी को भी समझा रहे हो, बाबा कहते, बाबा कहते हैं, इतनी बार कहना है, हर बार ये समझाते हुए किसी को भी कोर्स करा रहे हैं तो बार बार कहना है, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो तेरा बाबा मेरा बाबा एक है, ये समझाकर उसे ये बात समझानी है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा, मैं कह रहा हूं नहीं जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुरली सुनाते समय सामने वाले की स्थिति देख के मनसा में कोई सवाल उठ जाए और वो फिर वो समझाने के तौर पे दीदी समझाने लगे तो वो अलग बात हो जाती है ना। समझे नहीं बात, तो आपका प्रश्न कहीं और चला गया, बाबा समझा रहा है, बस बाबा कह रहा, हमने डायरेक्शन है बाबा का कि हमने कहना है, बाबा ने कहा है। अब कोई यदि मैं ये कह दूं कि मैं कह रहा हूं, मैंने बताया ना, तुम क्यों नहीं मानते हो, तो तू कौन है भाई, तू भगवान है क्या, तू बाबा है क्या, तूने कहा हम तेरी बात मान ले, जो बाबा कहेगा हम वो बात मानेंगे, मतलब ये बात है, क्योंकि बाबा के पास अथॉरिटी है,
हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, हम भी बाबा से ले रहे हैं, हम भी बाबा से ले रहे हैं। ये बात हमने बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को बैठकर समझाना है, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। बच्चे नहीं कह सकते, मीठे बच्चे नहीं कह सकते, हमारे भाई हैं, हम उन्हें भाई से संबोधित करें, भाई बाबा ने कहा है ऐसे करो, उसको लगे कि मेरे बाप ने कहा है इसलिए मैं करूं, इतना मैं भाई पर विश्वास कर रहा हूं, ये बाबा की बात मुझे कह रहा है ना। और यदि डाउट हो कि बाबा ऐसे नहीं कह सकता तो रुक जाना चाहिए, चेक करना चाहिए। यदि हम चेक नहीं करेंगे तो बात बुद्धि में अच्छी तरह नहीं बैठेगी। अब जितनी बात हमने सुनी है अभी अभी, इस बात को रीचेक करो, क्योंकि ये बात नए बच्चों के लिए है। धन्यवाद बाबा। ठीक है, ये बात नए बच्चों के लिए है, इसको हम फिर से रीचेक करें। तो बाबा हमें बच्चे कहते हैं, बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं, कब, जब उन्होंने हमें एडॉप्ट किया, जब उन्होंने हमें एडॉप्ट किया तो हम उनके क्या हैं, बच्चे, हमने भी उनको एडॉप्ट किया, तब शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, और हम उनको ही कह सकते हैं भाई जिनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। और तब तो एडॉप्शन की प्रक्रिया तभी होगी ना जब हम उनकी श्रीमत पे चलेंगे, जब उनकी बात मानेंगे तब तो वो हमारे बाप बनेंगे ही नहीं भाई। वो तो सिंपल सी बात है ना, उसका तो कोई बात ही नहीं है। हमने शिव बाबा को एडॉप्ट किया, हम शिव बाबा के बच्चे बने और बाकियों को शिव बाबा का बच्चा बनाया, वो एडॉप्टेड हुए, फिर उनको भाई कहना है। जो अभी एडॉप्टेड नहीं है वो वुड भी भाई हैं, भाई बनने वाले हैं, परंतु उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारा पिता है, तुम्हारा भी पिता है, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। परंतु यहां मैं रीचेक करने वाली बात कह रहा था कि हम अपने आप को रीचेक करके अपने आप को समझा दे कि परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया, वो हमारा एडॉप्टेड फादर है। जब मुझे मेरी बुद्धि में होगा कि वो मेरा एडॉप्टेड फादर है, मेरे कल्याण के लिए उसने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मैंने अपने कल्याण के लिए उसे बाप बनाया है, तो ये बात मुझे आगे वाले को भी समझानी है। एडॉप्टेड फादर, खाली फादर नहीं, क्योंकि एडॉप्टेड बाबा बार बार लगाए नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, तो बाप है तो कैसे बाप है, एडॉप्टेड बाप है। यह हमारी बुद्धि में हर वक्त क्लियर रहे, एडॉप्शन भी हमने अपने फायदे के लिए, अपने कल्याण के लिए किया है। हमने एडॉप्टेड किया पहले, बाबा ने किया, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया पहले, नहीं, दोनों की एडॉप्शन होती है, बाबा ने एडॉप्ट किया पर तो पहले हमने एडॉप्ट किया, हम बाबा ने आकर कहा मीठे बच्चे, और हमने जब तक नहीं कहा मीठा बाबा, और हम मीठा बाबा कब कहेंगे, जब हमें कुछ मिठाई मिली होगी, कुछ प्राप्ति हुई होगी, तब हम कहेंगे मीठा बाबा, और जब हम मीठा बाबा कहेंगे तो हमने शिव बाबा को एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, और उसने तो आते ही एक्सेप्ट कर लिया, हमने तब एक्सेप्ट किया जब हमें उनकी बातों पर विश्वास हुआ, यकीन हुआ, निश्चय हुआ कि वाक्य में ये मेरा परम पिता परम आत्मा है, तो हम उनको खुद अनुभव किया, खुद एक्सेप्ट किया, फिर हमने औरों को यही एक्सेप्ट कराना है कि परमात्मा जो है वो आप आत्माओं का पिता है, और पिता कैसे है कि वो
आपका कल्याण करने वाला पिता है, वो आपका एडॉप्टेड पिता है। जब हमारी प्रक्रिया बराबर होगी तब बात बनेगी। जैसे कल की मुरली में भी था कि ब्रह्मा कुमारियां कैसे बच्चे बने, सारे ब्राह्मण कैसे बने, इतने सारे बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड होंगे, जरूर क्या होंगे, एडॉप्टेड होंगे, गोद लिए होंगे, क्योंकि इतने बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते ना। बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, आप पावन बनो, क्योंकि मैं कह सकता हूं परंतु तुम नहीं कह सकते। शिव बाबा कहते ये मैं कह सकता हूं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। जानते ही तो है ही नहीं, तो मानेंगी कहां से, पहले जानेंगे तब मानेंगे। ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं, जानते और मानते हैं। जो ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट हुए हैं वही इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं। भाई भाई बंद कर लो यार, ना घर में बात करना है ना। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, और तो कोई मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं, शिव बाबा आकर क्या करते हैं, कहते हैं पावन बनना है, बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है, बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा ब्रिकुटी के बीच में निवास करती है, यह है हमारा सत्य परिचय। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है, अविनाशी आत्मा का अकाल तख्त या तख्त कौन है, ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम जानते हो, ये बातें तुम जानते हो कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझते हो हर एक में पांच विकारों की प्रवेशता है, हर एक में पांच विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहां से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते, माया के तूफानों में चले जाते हैं।
कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं है। क्या समझ में आया? जो अटेंशन नहीं देते, जास्ती अटेंशन नहीं देते, आते हैं मुरली सुनी, जैसे भगत आते हैं मुरली सुनी और चले गए। क्या कहा बाबा ने? बहुत अच्छा सुनाया, बड़ा अच्छा। ना जीवन में उन्होंने धारण किया, ना जाके मनन चिंतन किया, तो समझ लेना है कि ये पुराना भगत नहीं है, इसकी अभी भक्ति रही हुई है, ये नया नया भगत है। फिर इन बातों को तो समझने वाला ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो क्या सबूत होता है कि नहीं समझा? सामने वाला को समझा नहीं सकते ना। हाँ, यदि वो सामने वाले को समझा नहीं सकता तो इसका मतलब अभी उसको खुद को समझ में नहीं आया है, खुद को समझ में नहीं आया है। तुम्हारे पास भी नंबर वार हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं, बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हां, ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहां है हमारे पास, काम बहुत है भाई। ज्ञान बहुत अच्छा है तुम्हारा, थोड़ा फुर्सत मिलेगी ना मैं जरूर आऊंगा। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो, अर्थात उस परमात्मा की श्रीमत पर चलो, उसका कहना मानो, तो विकर्म विनाश हो। अब तक तो हम योग के बल से विकर्म विनाश होते थे, आज ये बाबा कहता है कहना मानो तो विकर्म विनाश हो। एक ही बात होती है क्या? हाँ जी, जब बाप का कहना मानेंगे, उनकी श्रीमत पे चलेंगे तो अनुभव होगा तो ताकत मिलेगी और बल मिलेगा। तो जितना अनुभव होगा उतने विकर्म विनाश होंगे। आपका थोड़ा अनुभव है तो थोड़े विकर्म विनाश होंगे, और ज्यादा अनुभव है तो अच्छी तरह विकर्म विनाश कर सकेंगे। ठीक, अब तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो बीके द्वारा सुनते हैं, और यहां परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझ जाते हैं। ये बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते, तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहां तो बाप नहीं है, यहां बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे, अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ,
बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो, बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो, ये जन्म क्या बनो, निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो, बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं कि सदा नए नए से बना नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, तुम किसे बताओगे ही नहीं, बाबा ही सबको बताएगा, ऐसे भी नहीं है। उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। वो दुनिया वाले प्रश्न करेंगे उल्टे सुलटे, उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वे तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं डायरेक्ट, मुरली सुने, हम बाबा के पास जाएं डायरेक्ट बाबा से मुरली सुने, वहां तो भाइयों द्वारा सुनाते, सेंटर पर तो भाइयों द्वारा सुनते थे। जी ये कहां के लिए बात हो रही है, मधुबन की? मधुबन, क्यों वहां बाबा सामने मुरली सुना रहे हैं, वहां से 2-3 दिन बाद सेंटर पर मुरली पहुंचती थी, हफ्ते बाद पहुंचती थी, तब पढ़ते थे बाबा ने क्या बताया। मन रोज आना कोई ना कोई अपने आप अंदाजे से लगा के रख देते थे, ये पढ़ लिया है ये पढ़नी है, पढ़ते रहते थे। अब बाबा से सुने, बाप का असर होता है, बच्चे बच्चे कहे बात करते, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, कितना याद करते हो, बाबा 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, 1 घंटे से क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी गलानी की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गलानी लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है, अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता ही नहीं, दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते, तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं,
जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक कर भीतर में कह देते। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। उस बाप को ही क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की ग्लानी कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे, अभी तुमको तो लज्जा आएगी, शर्म आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं। दुनिया में जो पाप करते हैं वो मंदिर में जाते हैं मूर्तियों के आगे, पत्थर की मूर्तियों के आगे कान पकड़ कर कहते हैं भगवान, कान पकड़ते हैं माफ कर दो, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। अब बाबा पूछ रहे तुमने कितनी बड़ी भूल की है। वो छोटी सी गलतियां करते हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब तुम ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। डांट नहीं रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी, बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहां से सीखे? परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कहां से सीखे? मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, पर तू समझते नहीं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे। पतित थे क्या? जब हम परमधाम से आए थे पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण क्या बन गए? पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परम पिता परम आत्मा को का तुमको परिचय है, वो कौन है, कहां निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। ऊपर में है या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई, निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, बल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना, सभी पाप आत्माएं हैं, आप पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं, सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्रता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ
नमस्कार करता हूं। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते ही नहीं है, वो आएंगे और चले जाएंगे। सेंटर्स में भी कोई कितना समय, कोई कितना समय ठहरते हैं, इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं है, फिर भी जाएंगे कहां? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ लें? अभी तो सबको पैगाम देना है, अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते, बाप ही आकर क्या करते हैं? सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं। बाप को ना तो कोई गम है और ना ही कोई खुशी है, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी, वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहां तुमको बेहद का बाप मिला है, यहां कौन मिला है हमें? बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। इतनी खुशी स्वर्ग में नहीं हो सकती जितनी खुशी हमें यहां होनी चाहिए। कौन मिला है हमें? बेहद का बाप मिला, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, वो फुर्सत में बैठकर हमको पढ़ा रहा है। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है, सभी कहते हैं हे भगवान, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, रहम करो, ब्लेस करो, लिबरेट करो, परंतु दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। कहने को कह देते, रटे रटाई लाइन बोल देते, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहां किसको जाता है? वास्तव में स्वतंत्रता कहां किसको जाता है ये कोई जानता नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं, अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है, ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहां रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़े ही है,
बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीक तीक कोई समझ ना सके। बोलो, तुमको स्वतंत्रता है कहां? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहां झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं रावण की जेल से, स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र बड़े धनवान होते हैं, बड़े स्वतंत्र बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर, जब तुम कमजोर बने तब तुम्हारे धन पर दूसरों की नजर पड़ी। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वे तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं। तो दिल नहीं होती है बात करे, ऐसे व्यक्तियों से दिल नहीं होती बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं, रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो प्राय राज्य में सब दुखी हैं, प्राय राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसी संगम युग पर ही हमें क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। वो तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जम घटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो। क्या करने आए हो भाई? पाठ बजाने के। सुख धाम से फिर दुख धाम में, तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। जो तुम रावण का कहना मानते हो, मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती। बल गरीब हैं, बल गरीब हो
फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहां होती है, सतयुग में गरीब होंगे परंतु आपको कोई चिंता नहीं होगी, सुखी रहते हैं। चिंता यहां होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े राजा बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत को भी ये सेंटेंस पर जाए, कौन सा? तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, ये तो सीधा सा है ना कि हम जड़ में बैठे हैं ना, और जड़ से सारे धर्म की आत्माओं को खुराक जानी है ना। तो आप इष्ट देव हो ना, तो आपके जो भगत आएंगे वो कौन कौन से धर्म से आएंगे? वो सबके आएंगे, है ना? क्योंकि तो हम तो सारे संसार के धर्मों के क्या हैं, पूर्वज, आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहां मूंज पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंज गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे, सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढेंगे फिर कहां? फिर ढूंढेंगे कहां से, जब जिसको जानते नहीं उसको ढूंढेंगे कहां से? वो हमारे सामने खड़ा हो, हमें पता ही नहीं कि ये भगवान है, तो हम ढूंढेंगे कैसे उसको? फिर तुमने सर्वव्यापी कह दिया, फिर मिलेगा कैसे? वो कण कण में फिर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, एक बाप मिला इसलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करनी। बाप मिल गया अब हमें, दुनिया वाला बाप कितने नशे में कहता है बेटा मैं बैठा हूं चिंता मत कर, और बच्चों ने शिव बाबा का भी चित्र बना दिया, उस पर भी लिख दिया बच्चे चिंता मत करो बाबा बैठा है। क्या करेगा बाबा? अब ये बात भक्तों ने भी अलग अलग धर्मों में भी लिखी हुई है,
तो बाबा बैठा है, हम चिंता नहीं करें, कौन ठीक करेगा, हमारा बाप तो मना कर दे। बाबा की श्रीमत और बाबा की शिक्षाएं ही उनको हमारे पास लाती हैं। नहीं भी, हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर दूर करना है, बाबा नहीं करेगा ठीक। नहीं नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाता है, जो बड़े बड़े चित्र बना कर रखे हैं, चिंता मत करो बाबा बैठा है, वो भक्ति की तरह समझ लेते हैं कि बाबा बैठा है, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, बाबा ये काम कर देना, बाबा ये काम कर देना, बाबा ये काम कर देना, और जो काम हो गया बाबा ने कर दिया, मेरा काम बाबा ने कर दिया है, अच्छा गड़बड़ हो गई ना। हाँ जी, हाँ चिंता मत करो बाबा, आगे क्या बोला, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को खुद चिंता मुक्त करना है, बाबा नहीं करेगा चिंता मुक्त, बाबा कुछ नहीं करेगा। ये बात सबको समझानी है, उनके तुमको बताता, मैं सिर्फ तुमको मार्ग रास्ता बताता। हाँ भाई जी, श्रीमत पे चलने की हिम्मत करनी होगी हमें, खुद खुद करनी होगी, खुद ही इलाज करना होगा, कोई बाबा नहीं करेगा हमारा इलाज, नहीं कर नहीं करते तो हम अपने आप को चिंताओं में रहना पड़ेगा, या तो हम अपने आप को चिंता मुक्त कर ले ना करें, हमारी मर्जी, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी सारी मुरलियां पड़ता है फिर भी ये चिंता में क्यों है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रह चिंता में, तेरा पार्ट है, बाबा खुद आकर के हमारी कोई चिंता को दूर करने का काम नहीं करता, उसने जो करना था वो मुरली हमें सुना दी, हमने पढ़ ली, अब हमने उसको पढ़ डाला या पढ़ कर अमल में लाया, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। कभी कभी रहता है, मैं मतलब है सोचने का काम भी सोचने का मतलब आप लगो से सोचने का काम भी बाबा करेगा ना, करे बाबा भूले के भी नहीं रहे ना, गलती में धोखा नहीं खा लेना, बिल्कुल नहीं करेगा, सोचने का काम बाबा करेगा, मतलब है अपना सोचना भी बाबा के हवाले कर दो, अर्थात बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचना शुरू कर दो, बाबा ने तो सोच रखा है, बाबा क्या सोचेगा, आपने अपना तन मन धन दे दिया है, अब आपको जरा भी मोह नहीं रहना चाहिए, जरा भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मैंने गलती की, दे दिया, ना देते तो अच्छा होता, आज रेट बढ़ गए हैं, आज हमारे हाथ में पैसा ज्यादा होता, आज हमारे पास मुसीबत आ गई, अब पैसा है नहीं, सेंटर से ले नहीं सकते, मांगेंगे भी तो देंगे नहीं, मांग लिया तो भी नहीं देते हैं, क्या करें, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो क्या होगा, खुशी मिलेगी कोई, अब हार समझ लो कि वो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा था ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मेरा आया नहीं, मेरा था ही नहीं, वो मैंने उतने समय तक यूज करना था, अब जिसने यूज करना था उसके पास चला गया, चाहे वो मैंने बेटे को दे दिया हो, चाहे मैंने भाई को दे दिया हो, चाहे मेरे से अजनबी छीन कर ले गया हो, अजनबी छीन कर ले गया हो, किसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, अब दुखी नहीं होना, मैंने यूज करना है तो ये मेरे पास आएगा, मैंने युक्ति लगानी है, पुलिस में भी जाना है, कोर्ट में भी जाना है, परंतु दुखी नहीं होना है, जिनका जिनका कर्जा देने जाना है वो मैं दूंगा, उसके बाद भी वो आना है या नहीं आना है ये ड्रामा पर निर्भर करेगा, मैं अपनी तरफ से पुरुषार्थ करूं, इतना एकदम शांत रहना है, बस मैंने यूज करना है तो ये मुझे रिटर्न मिलेगा,
मैंने यूज नहीं करना तो ये मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा। अब जितना समय उसने यूज करना है उससे पहले वो मुझे देगा भी नहीं। ये ड्रामा बुद्धि में एकदम क्लियर होना चाहिए। और इस बीच मैंने पुलिस वाले को, कोर्ट वाले को, वकील को, थाने को और किसको किसको जो जो देना है वो देने के लिए तो जाऊंगा ना, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे टांगे वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, जहां जहां उसके कारण जाना पड़ेगा ना। परंतु मन में रहे कि मैं सेवा करने जा रहा हूं, वहां वहां मेरे से सेवा होनी है। ये बुद्धि में रहे कि मुझे जहां जाना पड़ेगा वहां मेरे द्वारा सेवा होनी है। ये नशा रहेगा तो वहां जरूर सेवा मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सेवा ना मिले। आप बाबा की डायरेक्शन पर, बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए आप निश्चिंत होकर जा रहे हैं तो वहां सेवा होगी। हमें कहीं जाना पड़ा तो क्यों जाना पड़ रहा है? हमारी वहां सेवा की जरूरत है, हमें सेवा का चांस मिला है। चाहे दुकान पर जाना हो, चाहे कंपनी में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। मैं हर वक्त अलर्ट हूं, हर वक्त रेडी हूं सेवा करने के लिए। डिले नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है, अलबेलापन नहीं आना चाहिए। मैं थक गया हूं, मैं कैसे सेवा करूं? नहीं, थकने पर भी आपको सेवा करनी है। सेवा करोगे तो शक्ति आ जाएगी, थक ही नहीं सकते। उनकी मत पर चलकर, बेहद का समझकर, बनकर खुशी खुशी सबका उद्धार करना, करने के निमित्त बनना है। जम घटों की सजाओं से बचाने, बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना। पावन बनना माना मैं अमर आत्मा। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। क्या बनो? ज्ञानी तू आत्मा भाव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। समझ में आई है बात? हमें ज्ञान की रोशनी क्या मिली है? राइट और रॉन्ग की पहचान, अंधेरे और प्रकाश की पहचान, व्यर्थ और समर्थ की पहचान। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो जाते। वशीभूत हो नहीं सकते। क्या कहा है? तो रॉन्ग समझने वाले जो रॉन्ग को समझ जाते हैं ये गलत है, रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के फिर खुद वशीभूत नहीं होंगे ना, वो काम करेंगे नहीं ना। जिसका पता लग गया कि ये काम गलत है तो फिर उस कर्म के वशीभूत आप हो नहीं सकते। राइट और रॉन्ग की राइट करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने की चीज नहीं है, ये वर्जित है, इसको हमने यूज नहीं करना, हम उसे छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे।
ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप, कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती, शक्ति होती है। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं, व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।